दोस्तों आप देख सकते हो गूगल कैसा घुमाती है आपको। तो ये ब्रिज पे आके मुझे बताया नरसोबा जी गाड़ी, जबकि ये देखिए नीचे सामने। Hey guys, good morning and welcome to the channel. सुबह के अभी बज रहे हैं 8 और अभी हम हैं कोल्हापुर में। तो मैंने कल आपको कहा था कि प्लान में कुछ चेंज हो सकता है, तो वैसे ही हुआ है। मैं आपको बाद में फुर्सत में बताता हूँ। आज मुझे जल्दी निकलना था क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं पनाड़ा। पनाड़ा इज़ अ फोर्ट जो कोल्हापुर में है, तो शिवाजी महाराज का फोर्ट है ये। और रात भर कॉल चालू थे ऑफिस से, इसके लिए नींद भी नहीं हुई, इसके लिए लेट हुआ। तो मैं फटाफट तैयार हो जाता हूँ। तैयार तो हो ही गया हूँ, बस अपना राइडिंग गियर वगैरह सब तैयार करते हैं और फिर निकलते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे रोड पे। सो गाइस, सुबह के 9 बज चुके हैं और आप बोलोगे मैं 9 बजे तक क्या कर रहा था। तो ऐसा हुआ कि सुबह एक थोड़ा ऑफिस का काम था, वो तो मैंने पूरा कर दिया 10-15 मिनट में, और उसके बाद मैं घाई में निकला और बैग अंदर रह गई मेरी, और एक प्रेस वाला लॉक था और मैंने लॉक कर दिया, और लॉक की चाबी थी बैग में। अब विश्वास नहीं करोगे, जो मैंने सर्कस की आज, वो विंडो डोर के ऊपर लूवर्स वाली ग्लासेस थी, वो निकाल के फिर एक रस्सी को एक तार से बांध के वो बैग के हुक में अटका के बैग को बाहर खींचा। उधर माँ कसम, आज का दिन जो शुरुआत हुई है पूरा एडवेंचर। तो चलो कोई नहीं, अभी जैसे मैंने कल कहा था कि प्लान में कुछ चेंज करेंगे, तो चेंज ये है कि कल मैं जब भी कोल्हापुर में था आया, तभी एक सिग्नल पे खड़ा था तो किसी भाई ने मेरी गाड़ी देखी और उसके ऊपर चैनल का नाम देखा, तो उसने मुझे सब्सक्राइब किया और कमेंट में कॉन्टेक्ट किया। तो बाद में उन्होंने सजेस्ट किया कि आप एक दिन और रुको कोल्हापुर में, हम पनाड़ा वगैरह जो लोकल है यहाँ पे वो सब घूम लेंगे, एटलीस्ट आपका देख के तो हो जाएगा। तो फिर मैंने फिर मेरा गोकर्ण का जो बुकिंग थी आज के वो मैंने चेंज करा दिए परसों के लिए, और अभी हम उन्हीं भाई के जाके मिल रहे हैं। उन्होंने मुझे लोकेशन शेयर की है, तो अभी हम वहाँ पर जा रहे हैं और 2-3 मिनट में पहुँच जाएंगे वहाँ पर। तो फिर मैं वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको उनसे मुलाकात कराता हूँ। सो गाइस, ये है अफजान भाई जिनके वजह से हम आज कोल्हापुर में रुके। तो वो भी थोड़े बिजी हैं, उनका कॉलेज है इसके लिए, तो एक दो जगह वो दिखाएंगे, बाकी का मुझे गाइड करेंगे कहाँ कहाँ जाना है। तो अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं पहले ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया। तो चलो फिर मिलते हैं, देखते हैं ब्रेकफास्ट में आज क्या है। तो गाइस अभी हम यहाँ पे आए हैं, ये मालवीय रोड है, यहाँ पे खाने पीने का जो लोकल है आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आप देख सकते हो काफ़ी सारे स्टॉल है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या है अवेलेबल। एक काम कर, आप पे दे तुम क्या करते गाइस, ये है आप पे, ये यहाँ का लोकल फूड है, इसको ये थाली पीट है, ये थाली पीट है का है, डोसा है, ये डोसा है और ये थाली पीट है। तो अभी हम आप पे ट्राई कर रहे हैं। गरम खाया मैंने, पहले जो भी है ये इसको आपको बोलते हैं वही टेस्टी, जो साथ में जो चटनी है नारियल की उसकी वजह से इसका स्वाद बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब मैं ये ख़त्म करता हूँ, अगर कुछ मैं दूसरा ट्राई करता हूँ तभी मैं आपको दिखाऊँगा। नहीं तो दैट्स इट। सो गाइस, हमने आप पे खाया, एक डोसा भी खाया मैंने, और अभी हम निकले हैं। तो अभी हमारे भाई कहाँ कहाँ पे हमें घुमाएंगे वो हम आपको दिखाते हैं। भाई कोल्हापुर है ना, बहुत कंफ्यूजिंग है अगर इफ यू डोंट हैव अ लोकल पर्सन, तो यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है, या तो फिर गूगल मैप। लेकिन गूगल मैप भी आपको ऐसे ऐसे घुमाएगा कि आप घूमते रह जाओगे। सो गाइस, अभी हम शाहू पैलेस पहुँच गए हैं, ये इसका गेट है। दे वर द रूलर्स ऑफ कोल्हापुर, काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी हरियाली है, शांत है।
तो गाइस अभी हमें पता चला है कि जो यहाँ ये शाहू पैलेस है, ये जो रूलिंग फैमिली है आज भी यहाँ पे रहती है, तो शाहजी राजे और शाहू राजे इनकी फैमिली अभी भी इस पैलेस में रहती है, ये ऊपर वाले फ्लोर पे, विच इज़ अ गुड थिंग। काफ़ी शानदार है ये पैलेस। ये पैलेस के पास में ही एक ये ग्राउंड है, तुम देख सकते हो कितना बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे शायद से फुटबॉल खेला जाता है। इट्स अ ह्यूज प्लेस एंड लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है। तो गाइस ये जो स्टैचू है ये छत्रपति शाहू महाराज का, तो गाइस ये जो स्टैचू है ये शाहजी राजे इनका है, ही इज द लास्ट वन फ्रॉम द डायनेस्टी जिनका ऑफिशियली राज अभिषेक हुआ था, इनके बाद किसी का भी राज अभिषेक नहीं हुआ इनके फैमिली में। अभी जो आपने देखा दिस वर डियर्स और एक ईमू था इसमें, तो ये बोलते हैं कि ये जो जाजा है ये इनके पाले हुए हैं और उनके लिए उन्होंने इनक्लोजर बनाया। तो गाइस अभी हम शाहू पैलेस से निकले हैं, अभी यहाँ से जाएंगे नरसोबाचीवाड़ी विच इज़ अराउंड 70-80 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। सो गाइस अभी हमने अफजान को अलविदा कह के हम निकल रहे हैं टूवर्ड्स नरसोबाचीवाड़ी, कुछ 55 किलोमीटर्स है और 1 घंटे 7 मिनट लगेंगे हमें पहुँचने के लिए। तो गाइस आप देख सकते हो ये एक ब्रिज है, यहाँ से ऊपर से दिखता है, काफ़ी खूबसूरत है, मतलब मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है कोल्हापुर में लॉट ऑफ ग्रीनरी, मतलब इवन इन द सिटी के बीच में काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं और काफ़ी हरियाली है, और यहाँ से पंचगंगा नदी बहती है तो शायद से उसके वजह से पानी की भी कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि कल हम जब ये आए थे तो भी नदी बह रही थी, एंड दिस इज लाइक मी पीक में, मतलब मे भी खत्म होने को है, अभी जून शुरू हो जाएगा। सो गाइस अभी हम यहाँ पे रुके थे, ये गन्ने का जूस दिखा मुझे, काफ़ी प्यास लगी थी तो बोला चलो रुकते हैं, मज़ा आ गया 10 रुपये में एक ग्लास। तो अभी ये भाई साहब है ये हमें मिले थे यहाँ पे, जो अभी हमारे सब्सक्राइबर भी हुए हैं, तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं, बाय। तो गाइस अभी हम जो गन्ने का जूस पी रहे थे वहाँ पे अच्छा होगा, हमने देख लिया कि बैटरी उड़ गई थी, तो इसके पहले पता नहीं क्या क्या शूट हुआ है, कुछ मिस भी हुआ रहेगा क्योंकि बैटरी पूरी तरह से ड्रेन हुई थी, मैंने अभी बैटरी चेंज की है, तो चलो अभी मिलते हैं यहाँ से, और 14-15 किलोमीटर है नरसोबाचीवाड़ी, रोड स्ट्रेट है, इसके लिए मैंने GPS बंद कर दिया है क्योंकि बैटरी बचानी है, आपको मालूम है। बस यहाँ से नरसोबाचीवाड़ी है 10 किलोमीटर, यहाँ पे बोर्ड लगा है,
दोस्तों आप देख सकते हो गूगल कैसा घुमाती है आपको। तो ये ब्रिज पे आके मुझे बताया नरसोबा जी गाड़ी, जबकि ये देखिए नीचे सामने, नीचे से जाना चाहिए था और गूगल ने हमें ब्रिज के ऊपर से लेके गई। चलो कोई नहीं, अभी हम जाते हैं वहाँ पे। तो गाइस अभी हम नरसोबा चिवाड़ी पहुँच गए, अच्छी अच्छी पार्किंग मिली है छाँव में। तो यहाँ पे हम अभी हम गाड़ी लगाते हैं और फिर आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे पहली बार आ रहा हूँ तो मुझे मालूम नहीं है एग्जैक्टली मंदिर कहाँ पे है, लेकिन पास में ही होगा। सो गाइस अभी हमने मुख्य दर्शन किए। मुख्य दर्शन करने की वजह ये थी कि काफ़ी भीड़ थी और अभी हमारे पास टाइम काफ़ी कम है क्योंकि और दो तीन जगह पर जाना है। तो मैं अभी आपको यहाँ का आसपास का परिसर दिखाता हूँ। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, आप देख सकते हो। ये जो मंदिर का जो लोकेशन है इस नदी के किनारे पे, और यहाँ पे ये मंदिर है, तो ये गुरुदेव दत्त जी उनका मंदिर है ये। तो यहाँ पे ये पूजा अर्चना हो रही है। धूप काफ़ी तेज़ है अभी, लेकिन जैसे मैंने कहा ना धूप है, लेकिन आप छाँव में रहते हो तो इतना गर्मी नहीं होती है। सो गाइस ये है पंचगंगा और कृष्णा नदी, ये राइट से पंचगंगा आती है और ये लेफ्ट में है कृष्णा नदी। तो इसी के ये नदी के पास में ये मंदिर है, आप देख सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ पे यार, ये ज़मीन भी काफ़ी गर्म है। तो गाइस अभी हम यहाँ से निकलते हैं, नेक्स्ट स्टॉप वुड बी ज्योतिबा। तो आपको मैं बताता हूँ आगे कितना किलोमीटर यहाँ से दूर। थोड़ा बाहर निकलते हैं, पैर मेरे जल रहे हैं क्योंकि पत्थर काफ़ी गर्म हो चुके हैं। सामने ये पेड़ है औदुम्बर का, बस इसी के नीचे ये मूर्ति है, इसी में मंदिर है। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं नरसोबा चिवाड़ी से, 12:30 हो गए, इतनी जल्दी नहीं खाना खाऊंगा, देखता हूँ रास्ते में कहीं पे, या तो फिर सीधा ज्योतिबा पहुँचूँगा वहाँ पे खाना खाऊंगा। गाइस आप देख सकते हो ये गाड़ी, ये ट्रक का लोड लेफ्ट साइड में पूरा झुक गया है, अभी गिरे कि कभी गिरे ऐसा हो गया, ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है ये। हेलो गाइस, वीडियो लंबा होने की वजह से आज का ये वीडियो मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। होप सो अब तक का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगला पार्ट देखने के लिए बने रहिए।